वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज गए हैं दोपहर के बाहर। आज थक गए थे तो सो के उठने में थोड़ा सा लेट हो गया और जस्ट हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं। और आज हमारा प्लान है हिडिंबा टेम्पल करते हुए सीधा निकलेंगे टूवर्ड्स दिल्ली। आज का स्टे जो रहेगा दिल्ली में रहेगा और देन हम लोग रिटर्न होने का प्लान कर रहे हैं। दीपक भाई आ रहे हैं। दीपक भाई भी आ गए हैं और हम लोग बस प्लान कर रहे हैं लगेज को गाड़ी में जाने के लिए। होटल काफ़ी अच्छा था, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, खाना भी टेस्टी था और हमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया। ऊपर एक थर्ड फ्लोर पे हम लोग आप दिखा नहीं पाए, पूल वगैरह है, पूल टेबल था वहाँ पे और टेबल टेनिस थी, तो हमने कैरम बोर्ड भी था और कैरम बोर्ड और पूल मतलब पूल और हमने टेबल टेनिस खेला तो मज़ा आया। और रूफ टॉप पे बेहतरीन गार्डन है और सीटिंग वीटिंग का है। रात वात कला हम लोग 2-3 दिन थे लेकिन जा नहीं पाए। आज आप कभी आते हैं यहाँ पे मनाली तो हमारे अगर रेफरेंस देंगे तो मतलब कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मतलब जो एज यूजुअल आपको मिलेगा उससे ज़्यादा डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा, ये कंफर्म है। तो भैया ने हमसे प्रॉमिस किया है कि हमारे जो भी मतलब सब्सक्राइबर हो या व्यूअर्स हो या हमारे जान पहचान वाले जो भी हो तो अगर कभी आते हैं तो आपको उनको होटल वगैरह बहुत सस्ते में मिल जाएगा। और अभी का प्लान है निकल रहे हम लोग और छत पे एक बार आप लोग कभी आइएगा तो हम लोग तो फोटोज़ कुछ है मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आप फोटो देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग आएंगे तो छत का व्यू लीजिए, थर्ड फ्लोर का मजा लीजिए और नीचे अच्छी रेस्टोरेंट एरिया वहाँ का भी मजा लीजिए। अभी बहुत लेट हो रहा है तो हम लोग निकलते हैं फटाक से। तो अंशुल भी है हमारे साथ, ये होटल का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं यहाँ का, तो सच नाइस पर्सन और हम लोग को बहुत मज़ा आया इनके साथ स्टे करके और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा यहाँ, बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों से मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा, मोस्ट वेलकम है, दिसंबर में आप आइए बिल्कुल। अंशुल जी का नंबर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, अगर कोई भी आना चाहे हमारे रेफरेंस से तो डायरेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकता है और हमारा रेफरेंस भी दे सकता है। काफ़ी अच्छा रहा, मैंने अंशुल जी के साथ एक दो मैच पूल भी खेला ऊपर थर्ड फ्लोर पर तो बहुत मज़ा आया। टेरेस हम लोग आपको दिखा नहीं पाए लेकिन फोटोज़ मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करूंगा तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं फोटो टेरेस का। और जो भी आना चाहे भाई मोस्ट वेलकम है, काफ़ी फैमिली और माहौल है, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। मतलब चाहे आप फैमिली के साथ आए, चाहे आप बैचलर आए, चाहे आप कपल्स में आए, चाहे आप ग्रुप में आए, मतलब कैसे भी आए आपको यहाँ का स्टे मतलब एकदम बेस्ट ही लगेगा। मतलब हमने अभी तक यहाँ पे जितने भी स्टे रुका है मतलब उसमें से सब में से बेस्ट ये था अभी तक मेरे लिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं, थैंक यू अंशुल भैया, नाइस टू मीट यू सर। गाइस यहाँ देख सकते हैं मनाली में कुछ रोड वगैरह टूटी हुई है दिल्ली तक के लिए, मतलब दिल्ली जाने के लिए वाली रोड जो हाईवे टूटी। अब देखते हैं आगे जाके कि क्या हो रहा है, आगे मारपीट भी टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मारपीट हो रहा है, चीना झपटी ऐसा कुछ हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं आगे पुलिस वाले हैं हम लोग को जाने देते हैं कि नहीं, इसका अपडेट देंगे हम लोग। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं, वहाँ बंद है, 3-4 दिन बंद रहेगी और आगे बहुत ज़्यादा बहुत जगह मतलब टूटी पड़ी है रोड, तो अब हम लोग गूगल बाबा के सहारे कहीं से जा रहे हैं हम लोग खुफिया रास्ता से। अब पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं और कब तक पहुँचते हैं, बट लगे हुए हैं। मतलब ये है कि हम लोग लेह से मनाली तक तो आ गए बट मनाली से वापस आने के लिए थोड़ी सी तकलीफ जा रही है, तो देखते हैं अगर कुछ सीक्रेट रास्ता मिलते तो आपके साथ भी जरूर उस सीक्रेट रास्ता शेयर करेंगे कि आप भी कहीं फंसे हो तो निकल सकते हो उस रास्ते से। ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। तो गाइस सामने जस्ट लैंडस्लाइड हो गई है और गाड़ी उसको साफ कर रहा है, देखते कितना टाइम लगता है। ये नया रास्ता ढूंढ रहे थे, इस पर भी रास्ता ब्लॉक हो गया, ऊपर से बड़ा सा पत्थर आ गया, नीचे डर का माहौल है। सो गाइस काफिला निकल चुका है, अभी उधर से आवागाही चालू हुई है, इधर से आवागमन अभी बंद है, देखते हैं अभी इधर से हम लोगों को कब जाने देंगे। अभी उधर ही वाले को एंट्री मिल रही है, धनादन धनादन घुसेड़े पड़े हैं, हम लोग तो वेट में हैं अभी कि हम लोगों को कब मिलेगा जाने। पता चला आगे ऐसे करके 10-15 अगर पत्थर पड़ गए ना तो फिर हम लोग को मतलब दिल्ली जाते और छत्तीसगढ़ रायपुर जाते तो फिर मतलब कितने जन्म लगेंगे भगवान जाने। सो चल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे रास्ते की तरफ, देखते हैं वेयर द रोड गोस। तो गाइस देख सकते हैं यही पत्थर है जिसने हमारा रास्ता रोक सका था, मतलब सबका रास्ता रोक रखा था। अभी तुरंत तो जेसीबी आई है एक्सकवेटर, उसने ये सामने दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा दिखाता हूँ आगे से, यही अभी इन्होंने हमारा रास्ता बनाया है। सो इनको हम थोड़ा सा धन्यवाद बोलेंगे,
आप देख सकते हैं सामने किस टाइप का कंडीशन है। ये कोहरा है बाहर का, कुछ रोड की कंडीशन ऐसी है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मनाली आने में तो नया रोड खोजे हम लोग मैप से और पूछपाछ के मिला जुला के, मतलब कुछ मैप का सहारा और कुछ पूछपाछ के नया रोड हमको मिला है तो वहीं से जा रहे हैं। क्योंकि मनाली वाली रोड जो मनाली टू दिल्ली चंडीगढ़ जाती है हाईवे, वो तो अभी 3-4 दिनों के लिए बंद रहेगा। तो अभी कहना ये है मनाली के लिए अपडेट कि मतलब अगर आप लद्दाख साइड से आते हैं तो लद्दाख का रास्ता तो उससे आप वाकिफ़ है कि कैसे रास्ते हैं। अगर आप उनमें डेयर डिविल हैं आपके में जिगर है तो आप तो पार कर लेंगे। देन अदर अगर आपको हाईवे मनाली से अगर वापस जाना है तो आपको हाईवे नहीं मिलेगा, आपको कुछ इसी तरह की रोड, अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में जिस हिसाब की कंडीशन है तो कुछ इसी तरीके की रोड से आपको जाना पड़ेगा। पूरा कोहरा छाया हुआ है, सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम आराम से 15-20 की स्पीड में चल रहा है। तूफान भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है चल गाड़ी चलाने में बहुत। अभी तक जितने दिन हम लोग मनाली में थे आप लोग बोल रहे थे कि ऐसा कुछ भूखलन नहीं है, भूसलन नहीं है, बस नॉर्मल है सब। लेकिन अब घूमते घूमते कसोल गए तो पता चला वहाँ ज़्यादा है, कुल्लू मनाली हाईवे पे आया वहाँ ज़्यादा पता चला, मंडी में पता चला। तो ये सब रोडें देख के तो एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल का डर का माहौल हो जाता है यार, कि मतलब डेली एक डेली सोचते कि अब रात को नहीं चलेंगे और सेफ चलेंगे, लेकिन हर रात हर एक नया दिन एकदम नया एक्सपीरियंस, खतरनाक एक्सपीरियंस हो जाता है। अगला दिन पिछले दिन से ज़्यादा डरावना हो जाता है। गाइस एक्चुअली हम लोग रात को चल ही रहे हैं क्योंकि आपको दिखा सके कि रात में चलने में क्या क्या तकलीफ आती है और हम लोग थोड़ा थ्रिल भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो थ्रिल के साथ साथ डर भी है। बट आप लोग सेफ चलें तो हमारा यही गुजारिश रहेगा आपसे कि रात को ना चलें। जगह जगह रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब कहा नहीं जा सकता लेकिन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और थोड़ी सी भी चूक मतलब बहुत बुरा घटना हो सकता है। तो आप लोग जब भी आए तो बहुत ही सेफ एंड साउंड ड्राइव करें। रास्ते का बुलावा मौत का बुलावा, ये थोड़ा सा यहाँ पे लागू होता है, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो इस रोडों पे तो मतलब साइड देना, पास देना, ओवरटेक करना दोनों मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग बहुत समझदार रहते हैं, जैसे देखिए एक्सयूवी वाले भैया दूर पे रोक के रखे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बदतमीज टाइप के भी होते हैं, ला के घुसा देते हैं। सो गाइस हम लोग अभी अभी आनी करके एक गाँव है उससे क्रॉस किए हैं, एक रास्ता से हम लोग आनी तक आए हैं। मतलब बहुत ही ख़राब रास्ता था आनी तक का, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही ख़राब, और आनी से करीबन 5-6 किलोमीटर आगे तक का ख़राब। अब जाके मतलब थोड़ी सी राहत, सिंगल लेन रोड है बट थोड़ी सी पक्की है, हल्के फुल्के गड्ढे हैं तो मतलब थोड़ी सी राहत मिली है। और आगे यहाँ से बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे 5 आएगा जो शिमला तक के लिए कनेक्शन मतलब वहाँ देगा, तो रोड मतलब ठीक रहेगी बेसिकली। यहाँ से 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर से हम लोग फिर हो जाएंगे, मतलब वहाँ से राइट जाएंगे। और आज हमारा प्लान तो है कि दिल्ली ही हम लोग रुके, डायरेक्टली बज रहे हैं अभी 10, रात के 10 बज रहे हैं करेक्ट। तो कुछ अगर मूड हुआ तो कुछ खाएंगे, वैसे भूख तो उतनी खास कुछ लगी नहीं है। तो आगे जाते हैं, रास्ता चेक करते हैं और आज हमारा स्टे सोचते हैं कि दिल्ली में ही रहें, मतलब कल सुबह तक हम लोग दिल्ली कवर कर जाएं करके। और ये रोड बहुत रिस्की था गाइस, और मतलब कि वो मेन वाला हाईवे बंद है 3 दिन के लिए क्लोज है, इसके चलते हमको ये वाला रास्ता सेलेक्ट करना पड़ा जो कि काफ़ी टेंशन वाला है। और 2-3 जगह हमको क्लोजर मिल चुका है, कई जगह रोड गिर गया, कई जगह पुल ब्रिज गिर चुके हैं, कई जगह पेड़ गिरे हैं, कई जगह पत्थर गिरे हैं, तो घुमा घुमा के इधर से। और जो मनाली का हाल है मतलब बहुत बुरा है, मतलब मनाली के रोड्स की जो हाल है आज की डेट में बुरी है। मतलब बाकी हमने सब जगह कवर किया तो सब जगह ठीक थे, बट मनाली का कुछ ज़्यादा बुरा है गाइस। अभी का अपडेट हमारा ये है। गाइस रात के बज गए हैं 2:10 और हम लोग शिमला से निकल चुके हैं। एक छोटा सा जाम लग गया पता नहीं क्यों, कुछ कार वाले निकाल रहे, हो सकता है कुछ लैंडस्लाइड एक्सीडेंट वगैरह हो, उसका आइडिया नहीं है, मतलब कुछ नहीं सोचा। और दीपक भाई पीछे सो रहे हैं, देखते हैं जाम कब तक खुलता है। बज गए हैं सुबह के 6, हम लोग चंडीगढ़ में हैं
जस्ट ड्राइविंग सीट चेंज किया, दीपक भाई को दिया, अभी अब दीपक भाई चलाएंगे, अब मैं सोऊंगा, कि सारी रात गाड़ी चलाई, आंखें भी एकदम छोटी हो गई है मेरी। सो यही अपडेट है, चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, रास्ता बहुत ख़राब था रात को और बारिश भी हो रही थी तो चलाने में काफ़ी तकलीफ हुई। अभी यहाँ से 260 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली 250-260 के आसपास है, उसको 30 किलोमीटर से यहाँ से 30 किलोमीटर है, उसको 3-4 घंटों में कवर करने का कोशिश करते हैं।